हेलो बच्चों, आज हम गणित की क्लास में वर्कबुक पार्ट टू के पेज नंबर 15 को हल करेंगे, जिसका टॉपिक क्या है, काउंटिंग इन वर्ड्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, शब्दों में लिखो। यहाँ हमारे पास 101 से 110 तक की गिनती अंकों में भी लिखी गई है और शब्दों में भी लिखी गई है, और इसी शब्दों की गिनती को हमें दो बार लिखने का अभ्यास करना है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको सिखाया था कि 100 से आगे की गिनती को कैसे लिखते हैं, 101 से 100 तक की गिनती को तो आप लिखना सीख चुके हैं, अब हम 100 से आगे की गिनती को लिखना सीखेंगे। यहाँ पे जैसे लिखा है 101, इसी को हम लिखते हैं 101, इसको एक बार फिर लिखें 101। अब आगे क्या है, 102, 102। आपने बोल बोल कर लिखने का इसको अभ्यास करना है, 102। अब आगे क्या है, 103। अब तो आप बिना देखे भी लिख सकते हो, 103। एक बार फिर लिखें इसे, 103। आगे क्या है, 104, इसे भी हम बिना देखे लिखेंगे, 104, 104। 104 के बाद क्या आता है, 105। अब तो हम इसे अपने आप भी लिख सकते हैं, 105। एक बार फिर लिखें, 105। अब 105 के बाद क्या आता है, 106, 106। अब 6 के बाद क्या आता है, 7, तो अगली गिनती क्या बन जाएगी हमारी, 107, 107। अब 107 के बाद क्या आता है, 7 के बाद क्या आता है, 8, तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 108, 108। अब आगे क्या आएगा, 109, 109। अब 9 के बाद 10 आता है, 110, 110। इस तरह हमने देखा 1 से 100 तक गिनती सीखने के बाद 100 के आगे की गिनती को लिखना कितना आसान है। इसी तरह आपने भी अपनी वर्कबुक में ये पेज कर लिया होगा, आपने जो भी काम किया आप उसको इससे मिलाना और चेक करना आपने ठीक किया या नहीं किया। बाय बच्चों, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।